नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी लोग का स्वागत है आज के इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो नंबर 9 में। और नंबर 9 में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडस्ट्री स्टडी रिकवरी, यानी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो रिकवरी है वो कैसे हो रहा है एक पोस्ट पैंडेमिक, मैं पोस्ट पैंडेमिक तो नहीं कहूंगा बट पैंडेमिक एक डिक्लाइनिंग फेज में है और यहाँ पर एक चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। सो वी अंडरस्टैंड दैट एक बेसिक लेवल पे हमें ट्रेंड समझना है हाउ आर इंडस्ट्री इज डूइंग एंड हाउ इंडिया इज गोइंग टू डू बेटर। सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, यहाँ से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, भूलिएगा मत। डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का डिटेल अवेलेबल है। सो अगर हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट 2011 2012 से लेके 2021 के बीच हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट दिस फेज, तो इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो 12.1 करोड़ पीपल को एम्प्लॉय करता था, जो ऑलमोस्ट 30% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड है। यानी इंडस्ट्री 30% जीवीए में ऐड कर रहा है, जीवीए इज अ पार्ट ऑफ जीडीपी। और इंडस्ट्रियल सेक्टर का ओवरऑल जीवीए जो है वो 3.7% से बढ़ा है और एवरेज ग्रोथ 2.8% हुई है। यानी इन द लास्ट वन डेकेड द इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इकॉनमी हैज इंक्रीज, और ये हमारे जो न्यू एस्टिमेशन मेथड है जीडीपी के उसमें भी मालूम हो रहा है। नाउ कमिंग टू सम पॉजिटिव इंडिकेटर्स, डिमांड स्टिमुलेशन यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का डिमांड जो है बढ़ा है। इकॉनमी में डिमांड इंडस्ट्री से आती है, मैन्युफैक्चरिंग डिमांड हो गई हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री की डिमांड हो गई हो। ओके, सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन स्पेंडिंग हैज ग्रोन, यानी हमारे यहाँ जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है और एक्सपोर्ट्स भी स्टिमुलेट हुए हैं, पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग भी जो है बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, एंड दीज आर गुड, एक अच्छा इंडिकेशन है, अच्छा साइन है दैट इंडस्ट्रियल रिकवरी हो रही है और पोस्ट कोविड चीजें एक डिमांड जो है स्टिमुलस बढ़ा है। इसमें कुछ हम अगर टेबल्स को देखते हैं, इफ यू लुक एट द टेबल्स, सो 1.4% एंड -3.3, कोविड टाइम में एक इंडस्ट्रियल डिसलरेशन हुआ था, दो साल कंसिस्टेंटली इंडस्ट्री डिक्लाइन की थी, फिर एक रिकवरी हुआ 10.3% का जो देखने को मिल रहा है, अगेन 4.1% का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है जो कि एक बहुत स्ट्रांग डिप है। नदरा एक्सटर्नल फैक्टर्स, देयर डोमेस्टिक फैक्टर्स, इकोनॉमी एक कह लीजिए एक फ्लक्स के स्टेट में है, फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कमिंग टू द एफडीआई, अगर एफडीआई में इक्विटी की बात करते हैं तो एफडीआई हैज डन कंसिस्टेंटली वेल, और यहां पर अगर आप देखोगे तो 34% एफडीआई आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में आया है, सर्विसेज सेक्टर में बहुत बड़ा एरिया में आया है, बट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ये कम आया है। सो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं तो इट इज मोर ड्रिवन बाय सर्विस सेक्टर। अब हमको कैसे मालूम होगा दैट आवर इंडस्ट्री इज डूइंग वेल, स्पेशली देयर आर सर्टेन डिफाइंड सेक्टर, तो यहां पर दो इंडेक्सेस हैं, एक बोलते हैं पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग, यानी पीएमआई इंडेक्स बोलते हैं, परचेजर मैनेजर इंडेक्स। सो इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का डेटा आता है, ये एक्सपेंशन जोन में है, यूजली 50 से ऊपर इसका वैल्यू होना चाहिए, और आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज एक्सपेंडिंग एट अ सॉलिड रेट, तो ये दोनों डेटा हमें एक सजेस्ट कर रहा है दैट एक्सपेंशन इज हैपनिंग। द सस्टेन एक्सपेंशन ऑफ द राइट 8 मेन इंडस्ट्रीज, क्या क्या है 8 मेन इंडस्ट्रीज में, जनवरी से हम देख रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर जो है वो एवरेज 30% से बढ़ा है। नाउ दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेशन सिंस द मेजर इंडस्ट्री हैज डिस्प्लेड डबल डिजिट ग्रोथ, इंडस्ट्री डबल डिजिट ग्रोथ कर रहा है, एमएसएमई सेक्टर बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई यानी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो भी बढ़ा है। इन द लास्ट फ्यू ईयर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज सीन एनुअल इंक्रीज ऑफ एफडीआई इक्विटी, तो ओवरऑल इंडस्ट्रियल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है एंड दैट इज अ गुड थिंग। इंडिया सरपास, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की स्पेसिफिकली सेक्टोरल बात करते हैं तो इंडिया हैज ऑलरेडी सरपास जापान एंड जर्मनी टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमेकर, ठीक है, तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमेकर मार्केट बन चुका है हमारा। अगर हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल में हमारा 19 से लेकर 22 में 4 टाइम ज्यादा एफडीआई आया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडिया इज नाउ फोकसिंग ऑन मेक इन इंडिया 2.0 एंड 27 सेक्टर्स को हम इम्प्रूव करने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू चेन। सो दीज आर द रियलिटीज विच कैन बी अंडरस्टूड, ये आपका समराइजेशन है अबाउट द छोटा सा चैप्टर था, ज्यादा कुछ नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर यूपीएससी के ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। जो एस्पिरेंट यूपीएससी की जर्नी को फर्दर फॉलो करना चाहते हैं, इफ दे वॉन्ट टू स्टडी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोग्राम, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, यू कैन रीच आउट टू आवर टीम, ऑनलाइन ऑफलाइन 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्रोग्राम, आप फ्री मेंटरिंग सेशन और गाइडेंस सेशन भी आपको मिल पाएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।